हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी एंड मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले 12th के बाद करियर ऑप्शन के बारे में। सो आप पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। हम एजुकेशनल फार्मेसी रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो आपके तक पहुँचाते रहेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको पूरी बात अच्छे से समझनी हो तो चैनल वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो जब आपके 12th के रिजल्ट आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करते रहते हैं, क्या कोई रिश्तेदार ने कोर्स किया था तो आज उसके सैलरी लाखों में है, उसने अच्छे बिजनेस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन आने लगते हैं। आपको कुछ लगता है कि आपका दोस्त कहाँ जा रहा है, वो कर लेता हो, आपके साथ होगा वो, पर वो बहुत सारे चीजें आपके दिमाग में आती रहती है और परिवार वाले भी कहते रहते हैं कि इसको ये करो, उससे हमें ज्यादा सैलरी मिलेंगी, उसमें हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। और आपको मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि कभी भी ऐसी गलती मत करना कि किसी भी कोर्स को और उसके सैलरी से रिलेट करके आप कभी उस कोर्स को मत चुनिए, क्योंकि आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि हर साल जो 12th साइंस से या किसी भी को फैकल्टी से बच्चे पास होते हैं और अगला कोर्स रिश्तेदार या अपना दोस्त कर रहा है इसलिए करते हैं, तो उसमें से 30-40% तक बच्चे फेल हो जाते हैं या कोर्स पास होकर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर उनका मन ही नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो कोर्स करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो जब कोर्स छोड़ते हैं तो बहुत उनको डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि परिवार वाले बोलते हैं पैसे खर्च हो चुके होते। तो ये गलती आपको बहुत महंगी हो सकती है, इसलिए भी कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक कोर्स अपनी अपनी जगह पर अच्छा होता है। सिर्फ कोर्स को हम कितने अच्छी तरह से करते हैं उस पर आपकी सैलरी और आपकी इनकम डिपेंड होती है। सो किसी भी कोर्स को आप अपने उसके सैलरी से मत डिमिट करना। जो भी आपको पसंद है, आपको जो करना वही कोर्स कीजिए, उसमें आप 100% सक्सेस होगी। और वो कोर्स करने में आपको दिलचस्पी होगी, वो कोर्स करना आपको पसंद होगा, तो आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट आता है। अगर आप पूछोगे कि कौन सा कोर्स, फिर भी आप पूछते होंगे कौन सा कोर्स अच्छे या कौन से कोर्स में आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तो भी मैं आपको अगले वीडियो के जरिए मैं आपको बहुत सारे कोर्स की जानकारी देने वाला हूँ। और कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है तो जाकर भी चेक करना। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोर्स करने से पहले आप उससे उस कोर्स को जान ले अच्छी तरह से, आपको वह करना पसंद है। सिर्फ सब्जेक्ट से भी किसी को आप कोई करियर मत चुनिए, क्योंकि सब्जेक्ट पसंद है इसका मतलब उसका करियर आपको पसंद होगा, ये उसका मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आपको जान लेना चाहिए कि आप मैथ्स करने तो हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग में क्या काम होता है, उसमें आगे सब्जेक्ट कैसे होते हैं, ये आपको जब जान लेंगे और वो आपको जॉब करना है या कोई भी कोर्स करने के बाद आपको अगर बिजनेस या जॉब करना है तो उस बिजनेस में या उस जॉब में आपका कितना इंटरेस्ट होगा, वो आपको लाइफ टाइम करने के लिए आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर डिपेंड होता है। इसलिए भी कोई भी कोर्स करने से पहले आप अच्छे से जान लेना कि वो कोर्स हमें पसंद है या नहीं, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कोई बहुत सारे रिश्तेदार आपको बताते रहेंगे इसने वो किया था, इसने वो किया था, आपको लगेगा वो बड़े है, उनका सुनना चाहिए। मैं भी कहता हूँ उनका भी सुनना चाहिए, उनको भी अच्छी जानकारी होती है, पर आपको क्या पसंद है ये मैटर करता है। फिर भी आप अपने बहुत सारे घर वाले आपको मानते नहीं कि तुमको कुछ पता नहीं, फिर भी उनको उनको बता देना कि मुझे आपको उनको कन्विंस करना होगा कि मुझे वो चांस दीजिए, मैं वहां पर अच्छे खासे मार्क लाकर दिखाऊंगा। अगर आप उन घर वालों के पसंद से कोर्स करते हो, आगे आपको पसंद नहीं आता तो बहुत आप डिप्रेस में जाते हो। उस कोर्स जब हार्ड आपको जाता है करने में तो आप बहुत बहुत डिप्रेस हो जाते हो और आपको एजुकेशन से आप बहुत ही नफरत करने लगती है और आपको पसंद नहीं करता और हमेशा बोलते रहे कि मुझे वो करना नहीं था, घर वालों की वजह से किया, रिश्तेदारों की वजह से किया। अगर आप आपके पसंद का कोर्स करते हो तो आपको कितना भी हार्ड हो तो वो आप करने में आप इंटरेस्टेड होते हो, उनको आपको अच्छा लगता है वो कोर्स करना। पर अगर आपका हार्ड भी जाता है तो भी आपको आप जूनियर से उस कोर्स की स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपने आपके घर वालों को बताया होता है कि मुझे वो पसंद है और आपको दिखाना होता है कि उस कोर्स में बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं।
ये बात बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर कर देना। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक जरूर फैला देना, क्योंकि बहुत सारे गलतियां करते हैं। हमने देखा है कि 12th साइंस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कोर्स छूट के अलग अलग कोर्स में जाते हैं, और वह एडमिशन प्रॉब्लम आते हैं, फिर से पैसे खर्च हो सकते हैं। ये सभी चीजें आपको अगर नहीं होना, आपको डिप्रेस में नहीं जाना, आपके पैसे को आपको बचना है, तो सच में एक कोर्स चुनने से पहले आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए या कोर्स आपको पसंद है या नहीं है। तो बहुत सारे कोर्स की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर देना, दबा देना, क्योंकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर जरूर देना, तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी नए कंटेंट बनाने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।